तो आज मैं बना रही हूँ मसाला ओट्स। बहुत टाइम हो गया है ओट्स नहीं खाए हैं, और मैं और हीना हम लोग दोनों आज घर पे हैं, तो मैंने सोचा कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ओट्स बनाए। तो मैंने इसके लिए मसाला ओट्स में मैं टोमेटो, ओनियन एंड ग्रीन चिली ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सब कट कर लिया है। और ये ओट्स के दो पैकेट लिए हैं, मसाला ओट्स के। इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आज का जो ब्लॉग है वो ब्लॉग ऐसे है कि हम लोग तो आज घर पे हैं और हम लोग जा रहे हैं ट्रिप पे। तो बहुत ही अच्छी जगह पे हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, जो कि बहुत फेमस जगह है, हिल स्टेशन है। तो इस ब्लॉग को जरूर देखना, और हम आपको ये भी बताएंगे कि हम कौन सी जगह पे ट्रिप पे जा रहे हैं। अभी पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, और हीना की तबीयत थोड़ी ख़राब है तो उसको ब्रेकफास्ट दे के आती हूँ। और दिन फिर हम दोपहर में पैकिंग करेंगे और हम बताएंगे कि हम कौन से ट्रिप पे जा रहे हैं। तो इसीलिए नेक्स्ट वाला ब्लॉग देखने के लिए मत भूलना। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ये देखिए, यहाँ पे अच्छे से मसाला रेडी हो रहा है, और ओट्स मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे मसाला अच्छे से हो गया है, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ओट्स। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पानी। इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दिया, क्योंकि इसको पकने के लिए थोड़ा पानी लगता है। और इसको भी मैं हाई फ्लेम पे कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे ओट्स बनके रेडी है, यहाँ मैंने हीना के लिए निकाल दिया है, और अब जाती हूँ उसके रूम में गरम गरम ओट्स लेके। तो अब मैं जा रही हूँ हीना के रूम में ब्रेकफास्ट लेके। फॉर यू, उठा अपनी कटोरी। स्पून है देख, ऐसा आज तक किसी ने दिया है तेरे को बेड पे? बोल जल्दी। उसने लाके दी। कितनी कमी दी है तू। बट उसने बना के नहीं लाके। मैंने बना के दिया ना तेरे को गरम गरम, तो थोड़ी कदर होनी चाहिए ना तेरे को। बेड पे लाके दिया क्या, पूछा ना? मैंने गरम गरम बना के दिया ना। ये इतना तो कभी किसी ने नहीं किया। तेजू, आपने जितने एफर्ट्स डाले ना मेरे लिए, उतना एफर्ट्स कभी किसी ने नहीं डाला है। सच मेरी जगह, मेरी जगह कोई लेगा भी नहीं। नहीं डाला, सीरियसली नहीं डाला। दूसरे तेजू का जन्म लेना होगा फिर। ऐसी तबीयत खराब होने के बाद बेड पे ऐसे गरम गरम ओट खा के दे, कितना अच्छा है। स्पून है? आशा, यू हैड ब्रेकफास्ट? या या या। ले, टेस्ट करके बता। नागपुरी स्टाइल बनाया है, स्पाइसी। गरम में बहुत। नहीं है गरम, इतना भी गरम नहीं है। मेरा बाउल कैसे निकला? बाउल निकालने के लिए चम्मच से ऐसे उसको ये किया, क्योंकि मेरा हाथ ही नहीं जा रहा था ऊपर। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टाइम, बता जल्दी कैसे बना है। बहुत टेस्टी बना, मैगी लग रहा है यार ये तो। मैगी थोड़ी है, नहीं ये मैगी पर लग रही है। मैंने इतना हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाया है, स्पाइसी। मजा आया खा के। मैगी से तो बहुत ज्यादा है, देखो उसमें से ले लो, मेरे से नहीं खिला रहा है। क्यों? मेरा मन नहीं कर रहा है, गरम गरम है खाने। इतना ये रेसिपी आप भी ट्राई करना, मैंने बताया आपको कैसे बनाना है, सो आप भी बना के देखना और मुझे बताना फिर। और बीमार लोगों को जरूर खिलाना। हम बीमार है और शाम को हमारी बस है। ट्रिप कहाँ जाने वाले हैं हम थोड़ी देर में आपको अनाउंस करेंगे। अभी बस रेडी हो रहे ट्रिप के लिए, पैकिंग करेंगे
और दिन बताएंगे जाते वक्त। आपकी पैकिंग हो गई क्या? नहीं, बस कपड़े सिलेक्ट करके रखे मैंने। ब्यूटीफुल फ्लावर्स, लिलीज छुप गई ना ऊपर, दिखाओ। और ये हमारा, मेरा रूम अभी डेकोरेट होने वाला है एक हफ्ते बाद। और ऊपर हमारा, हमने वो बर्थडे के जो बलून बचे हुए थे वो लगा लिए। तो पूरा ऐसे है यहाँ पे फ्लावर्स और ऊपर बलून, और यहाँ पे है हमारी फोटोज। वो वाली कहाँ आ गई तेरी और मेरी? इसके अंदर। कितनी कमीनी है तू, अच्छे से रखा है यार। तो इसको तेरे को टंगाना नहीं हुआ क्या यहाँ पे? नहीं है, बार बार इसलिए अच्छे से रख दिया। अभी रुको ना, मेरे को टाइम मिलने दो, तो फिर मैं अच्छे से। अभी मेरा रूम डेकोरेट हो गया, एक हफ्ते का ट्रिप से आने के बाद वाला जो वीकेंड है उस पे मैं थोड़ा सा रिनोवेट करूंगी। इंटीरियर डिजाइनर आने वाला है। हाँ, उसने बोला है कि वो जो कौन आने वाला है ना, कारपेंटर वगैरह आने वाले हैं। तो बोला तुमको कहाँ ड्रिल करवाना है, करवा लेना। अच्छा, वो नहीं दिखाई ना गिफ्ट? स्पेशल परमिशन। Yeah. I took a special permission for that, right? ये हिना को गिफ्ट मिले हैं लॉफ्ट की तरफ से, अभी पैक है ये। दिखा, खोल दो ना, मेरी पिक्चर। तो ये है फर्स्ट पेंटिंग जो हमारे स्टे की तरफ से मिली है, बहुत सुंदर पेंटिंग है। अब ये रूम डेकोरेट होने वाला है ट्रिप से आने के बाद। यस, दिस इज सेकेंड पेंटिंग, मेरे लिए स्पेशली बोला है। हाँ, लिखा है। कोई बत्ती। ये पकड़। हाँ, ये है थर्ड पेंटिंग। इसकी फोटोज जो है वो वीडियो के लास्ट में मैं दे दूंगी। बहुत सुंदर पेंटिंग है। और हमारा ये रूम अभी जो है वो डेकोरेट होने वाला है आफ्टर ट्रिप, वो भी दिखाऊंगी मैं ट्रिप से आने के बाद जो रूम डेकोर होगा तो उसका वीडियो मैं बनाऊंगी। एक ठीक है, एक एक ऊपर रख, फिर मैं पैक कर देती हूँ इसको। अभी फिर ऐसे रख दे, खाने से ठंडा हो रहा है। ऐसे रख देते हैं, ऐसे ही रख दे, मैं रखती हूँ उसको अच्छे से। तो फाइनली अभी हम लोग रेडी हो गए ट्रिप के लिए, और नाइट का ट्रैवल है ये। तो हम लोग कल सुबह पहुंचने वाले हैं, और हम तीनों जा रहे हैं, कोमल, मैं और हीना। सो ये ट्रिप बहुत अच्छी होने वाली है। कहाँ जाने वाले हैं हम जा रहे हैं बहुत ही अच्छी जगह पे, और उसका नाम है प्रिंसेस ऑफ हिल। तो उसको प्रिंसेस ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है, बहुत सुंदर जगह है। तो इसके आगे वाले जो व्लॉग है वो देखने के लिए प्लीज़ मत भूलना, क्योंकि बहुत सुंदर जगह जा रहे। तो मैं जितना हो सकता है उतना शूट करने की कोशिश करूंगी। और अभी हम लोग रात में निकल रहे, ट्रिप एडवाइज़र के साथ जाने वाले हैं। एक्सपीरियंस कैसे होता है हम लोग देखते हैं, और इसके बाद मैं आप लोगों के साथ ये वाला एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोडाईकनाल वाले ट्रिप में। और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, हम लोग अभी रेडी है, बैग भी हमारी रेडी है यहाँ पे, और थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे। तो हम लोग जा रहे हैं प्रिंसेस ऑफ हिल। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि प्रिंसेस ऑफ हिल कौन सी जगह है। शायद आप में से किसी को पता होगा तो, और नहीं पता होगा तो नेक्स्ट वाले व्लॉग में आपको पता ही चल जाएगा। सो अभी के लिए कमेंट कर दो।